हेलो दोस्तों, अगर आप घर में ही बैठ के सिंगिंग सीखना चाहते हो, वोकल का ट्रेनिंग करना चाहते हो, तो काफ़ी अच्छा ऐप अवेलेबल है रियाज, उसका आप यूज़ कर सकते हो। तो इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, इंडियन क्लासिकल हो गया, कर्नाटिक स्टाइल हो गया, आप चेक कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपको काफ़ी सारे लेवल्स मिलेंगे, आप अपने लेवल के हिसाब से प्रैक्टिस कर सकते हो और अपना स्कोर भी चेक कर सकते हो। तो अभी आप आराम से घर में ही प्रैक्टिस कीजिए एंड अपना प्रोग्रेस खुद चेक कीजिए। एंड आपको काफ़ी अच्छे अच्छे टीचर्स मिलेंगे आपको गाइड करने के लिए, वह जरूर चेक कीजिए। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? तो आज हम एक बहुत ही ट्रेंडिंग सा गाना सीखेंगे, बेला चाओ। तो अभी एक सीरीज चल रहा है काफ़ी ट्रेंडिंग में, मनी हाइस्ट, उसका साउंड ट्रैक है। तो मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आया इसका लेसन करने के लिए, फाइनली आज करेंगे। तो काफ़ी सिंपल, आप इसको 5 मिनट में सीख लोगे। एंड इसका रिटर्न टैब्स के लिए आप acosta.com पे चेक कर सकते हो, उसका लिंक मैंने दिया डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं। वहाँ पे टैब्स को प्ले करके उसका टाइमिंग भी आप सुन सकते हो, जिससे उसको सीखने में आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी। एंड इसका बैकिंग ट्रैक आपको एंड में दे दूँगा, उसके साथ इसका टैब्स प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड हमारे चैनल के मेंबर्स के लिए मैं अलग से अपलोड करूंगा बैकिंग ट्रैक। तो अगर आप भी चाहो तो चैनल के मेंबर बन सकते हो, नीचे देख सकते हो सब्सक्राइब बटन के साइड में ज्वाइन बटन का ऑप्शन आ रहा है, तो वहाँ पे आप ज्वाइन करके चैनल के मेंबर बन सकते हो। एंड मैं आपको इन रिटर्न बैकिंग ट्रैक, रिटर्न मटेरियल्स, व्हाट्सअप सपोर्ट प्रोवाइड करूंगा, तो जरूर चेक कीजिए एक बार। एंड यहाँ पे जो गिटार प्ले कर रहा हूँ, केपमा का काफी अच्छा गिटार है, इसका लिंक भी दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। तो ये गाना आपका ए माइनर पे है, इसमें मोस्टली आपका 3 ही कॉर्ड्स आएगा, ए माइनर, ई मेजर 7th एंड डी माइनर। तो कॉर्ड्स में आपको आगे बता दूंगा, रिटर्न कॉर्ड्स के लिए आप वेबसाइट चेक कर सकते हो, उसका लिंक भी मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए इसका इंट्रो पार्ट पहले देखते हैं, आपका स्टार्ट होगा लाइक दिस। तो थोड़ा सा आपको फर्स्ट प्ले करना पड़ेगा, मैंने इसको 130 बीपीएम में प्ले किया है, पर आप इसको स्लोली सीखिए, देन धीरे धीरे इसका स्पीड अप बढ़ा सकते हो। तो आपका स्टार्ट होगा सेकंड स्ट्रिंग 10th फ्रेट 9, देन 3rd स्ट्रिंग 10, देन 9। यहाँ पे आपको थोड़ा क्विक पिकिंग करना है लाइक दिस। तो टैब्स देख सकते हो, ऐसा आपको लेना, थोड़ा अच्छा लगेगा सुनने में। देन आपको 1st स्ट्रिंग पे 10th, 2nd स्ट्रिंग 13, 12, 10, यहाँ पे आपको क्विक पिक करना है लाइक दिस। तो दोनों पार्ट्स एक फ्लो में देखते हैं स्लोली। देन यहीं से आपका, तो ये पार्ट कैसा हो गया, आपको टैब्स देख सकते हो, सिंपल नोट्स आपको पिक करना है। सेकंड स्ट्रिंग पे आपका आएगा 10 9, 3rd स्ट्रिंग पे 10 9, अगेन 10, 2nd स्ट्रिंग पे 9 10, 12, 1st स्ट्रिंग पे 10, 2nd स्ट्रिंग पे 13, 12, 10, 9, 10। बस आपको एक फ्लो में प्ले करना है इसको। यहाँ पर आपका इंट्रो एंड होता है। तो चलिए इसका मेन टैब्स देखते हैं अभी। तो टैब्स काफी सिंपल, आपका स्टार्ट होगा 4th स्ट्रिंग से, सिंपल है, 2nd फ्रेट बार कर लेंगे 4th एंड 3rd स्ट्रिंग पे, प्ले करेंगे दोनों को 1 बाय 1, पहले 4, देन 3rd स्ट्रिंग, 4th फ्रेट 3rd स्ट्रिंग, स्लाइड अप टू 5th, देन अगेन 2nd फ्रेट। इसको आपको 2 बार रिपीट करना है, रिपीट 2 बार हो गया, देन 3rd टाइम थोड़ा सा चेंज होगा, तो ये लाइन कैसा जा रहा है आपका, स्टार्टिंग आपको वहीं से होगा, स्लाइड करके 4 2, स्लाइड 4 2, देन स्लाइड अप टू 9th, 3 बार पिक करेंगे। तो आप इसको 4 से स्लाइड कर सकते हो 9th तक, नहीं तो 5 से स्लाइड कर सकते हो। तो क्या हो गया ये पार्ट, सिंपल है काफी। तो चलिए तीनों पार्ट्स को एक फ्लो में देखते हैं स्टार्टिंग से। देन कहीं से ही क्या हो गया आपका, 9 7 9, स्लाइड अप टू 10, पिक, देन कहीं से ही, टेन नाइन सेवन टेन नाइन नाइन नाइन, 3 टाइम्स। तो दो पार्ट्स कैसा हो गया एक फ्लो में,
देना कहीं से। कैसा जरा आपका 9 7 5 4 स्लाइड अप टू 9 अगेन, 5 से आप 9 स्लाइड कर सकते हो लाइक दिस, देन सिंपल 5 4 2। तो आपका लास्ट पार्ट कैसा हो गया फ्लो में? तो यहां पर आपका मेन मेलोडी एंड होता है, बस लूप जैसा रिपीट होता रहता है। तो सेकंड टाइम हम इसको हायर ऑक्टेव में प्ले करेंगे यहाँ पे सेम नोट से, बस आपको हायर ऑक्टेव में प्ले करना है। सिंपल है, तो सिंपल है काफी, आपको बार करना है फिफ्थ फ्रेट को फर्स्ट एंड सेकंड स्ट्रिंग पे प्ले करेंगे। टैच देख सकते हो, सेकंड फर्स्ट सेवंथ फ्रेट स्लाइड बैक टू फिफ्थ फ्रेट। इसको दो बार रिपीट करेंगे, रिपीट देन फिर से यहीं से जैसे हमने लास्ट पार्ट किया था। पूरा सेम है जैसे हमने यहाँ पे प्ले किया था। बस अभी हम इसको हाई ऑक्टेव में प्ले कर रहे हैं यहाँ पे। फिर से यहाँ पे 12 10 12 स्लाइड अप टू 13 13 12 10 13 12 12 12 तो क्या हो गया? Then, twelve, ten, eight, seven, slide up to twelve, eight, seven, five. तो लास्ट पार्ट कैसा हो गया? Then फिर से इसका इंट्रो प्ले करके इसको एंड कर लेंगे। तो जैसे कि मैंने कहा था कॉर्ड्स काफी सिंपल है, तीन ही कॉर्ड्स मोस्टली लगे आपका, ए माइनर, ई मेजर सेवन या ई मेजर एंड डी माइनर। तो स्ट्रमिंग इसका चकिंग में लेंगे, काफी अच्छा लगेगा लाइक दिस। पर बेसिक चकिंग है डाउन अप चक अप डाउन अप चक अप डाउन अप चक अप डाउन अप चक अप। तो स्टार्टिंग में आपको इंट्रो में ए माइनर दो बार प्ले करना है, ई मेजर पे एक बार वन, देन वन टू वन, तो क्या हो गया यहाँ पे टू टाइम्स, ई मेजर पे एक बार, देन ए माइनर पे डाउन, ई मेजर पे डाउन बैक टू ए माइनर। अब इसको ई मेजर सेवन भी प्ले कर सकते हो ठीक है, पर अभी इंट्रो में ई मेजर प्ले कीजिए, देन आपका जब गाना आएगा उसमें आप ई मेजर सेवन लगाएगा, काफी अच्छा लगेगा। देश का गाने का कॉर्ड्स मैंने डिटेल में दिया है लिंक में, वहाँ पे चेक कर सकते हो। फिर भी हल्का सा बता रहा हूँ, आपको स्टार्ट होगा ए माइनर से, तो गाना तो आता नहीं, इसके लिरिक्स आता नहीं, फिर भी हल्का सा हमिंग करके आपको बता रहा हूँ, आपको स्टार्ट होगा ए माइनर से। जो आपका बेला चाओ आएगा उसमें हम लोग ए माइनर सेवन लगाएंगे, बस आपको रिंग फिंगर हटाना है, देयर इज आपको थर्ड स्ट्रिंग ओपन कर लेना है, ये बन गया आपका ए माइनर सेवन, डी माइनर। तो क्या हो गया डी माइनर से ए माइनर, ई मेजर सेवन पे दो बार, देन बैक टू ए माइनर। तो इसको रिपीट करते रहिए। डिटेल कॉर्ड्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कीजिए, वहाँ पर ने लिरिक्स के साथ कॉर्ड्स दिया हुआ है, काफी आपको हेल्प करेगा वो। तो चलिए आज के लेसन यहीं पर रखते हैं, अगर कोई भी डाउट आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिए। अभी मैं एंड में बैकिंग ट्रैक देता हूँ, उसके साथ प्रैक्टिस कीजिए। तो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट लेसन पे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।